झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी कई सालों से मांगे चली आ रही है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। आज क्या कुछ कहने की उम्मीदें थी आप लोगों को कि आज हम लोगों का बहुत उम्मीद था, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनकी पैतृक आवास पर हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी मांग को हम लोग जल्द पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मांग पूरा आदेश हो चुका है, हाईकोर्ट से भी हो चुका है, महाधिवक्ता महोदय के पास भी संचिका भेजा गया तो उनका भी मंतव्य आ चुका है, मैंने हर जगह से हो चुका है। 2018 से हमारा संघर्ष समान का समान वेतन को लेकर चल रहा है, लेकिन आज भी हम लोग को मायूसी हाथ में लगा है। हम लोग निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जो अगला कैबिनेट आ रहा है उस कैबिनेट में हमारी मांग को पूरा किया जाए। जब से मुख्यमंत्री बने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने पैतृक आवास पर आश्वस्त किया था कि आपकी मांग बहुत जायज है, मैं आपकी होमगार्ड की मांग भी पूरी करूंगा समान का समान वेतन की और ड्यूटी से संबंधित जो समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन आज हम लोग पूर्ण विश्वास था कि आज कैबिनेट हमारा होगा, इसी को लेकर हम लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग आए थे। आज होली दिवाली बनाते हुए लोग यहाँ जाएंगे, परंतु आज भी हमारा नहीं हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। फाइल अभी हम लोग को जो जानकारी मिला है कि अभी गृह सचिव के पास फाइल हमारा गया हुआ है, तो अब गृह सचिव महोदय के वहाँ से हो जाएगा, उसके बाद विभागीय मंत्री के नाते सर के पास जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। तो लास्ट स्टेज में ही है, अब जो होना है सीएम साहब के निर्णय पर ही कैबिनेट का होना है क्लियर। अब वरीय पदाधिकारी हाँ बिल्कुल, आचार संहिता को लेकर ही हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं कि कहीं चुनावी घोषणा हो गई तो इसी बीच में जो है कहीं हमारा काम रुक न जाए। हम तो चाह रहे हैं, सीएम साहब ने भी आश्वस्त किया और अधिकारी के पास में हमारा फाइल भी है, तो आज उम्मीद थी कि आज कैबिनेट में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन पुनः एक बार फिर से उम्मीद है कि मेरा दिल भी कह रहा है एसोसिएशन के ओर से, मैं बता रहा हूँ हमें कि अगला कैबिनेट में जरूर क्लियर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी लंबा चक्कर लगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि उस विषय पर ज़्यादा कुछ लगेंगे नहीं। अभी तो हमारे बीच में जो हमारे वर्तमान सीएम साहब हैं उनसे उम्मीद है और लास्ट स्टेज में हमारा फाइल है, तो उम्मीद भी थी कि आज हो जाए, लेकिन अगला कैबिनेट भी हो जाए तो हम सीएम साहब आज हमारा संघ हमारे जो बादल पटेल कृषि मंत्री हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई प्रतिनिधि की और उनसे हमारा बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ, करीब 10 मिनट का बातचीत हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है और मुख्यमंत्री जी का ही संज्ञान में है, तो आपकी मांग निश्चित रूप से पूरी होगी। उन्होंने अभी स्पष्ट किया तुरंत। तो देखिए, जल्द मांगें पूरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए कि कब तक जो है नई जो चंपई सोरेन की जो सरकार बनी है इसको लेकर कब जो है झारखंड के जो होमगार्ड एसोसिएशन के जो लोग हैं वह इस वक्त समान काम समान वेतन की मांग को लेकर यहाँ कैबिनेट पहुँचेगा। आज उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में इनकी मांगों को रखा जाएगा। कुल 29 प्रस्ताव जो है आज पास हुए हैं, क्या कुछ अब अगली कैबिनेट से उम्मीद है यह देखने वाली हालांकि बात होगी। सोमवार से फिर जो है बजट सत्र से लगातार शनिवार तक चलेंगे, लेकिन इस बीच अगर दूसरी कैबिनेट की बैठक होती है तो उम्मीद है जो इनकी जो है मांगें पूरी की जाएगी। लाइव लगातार आशीष में लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।